Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. श्री राम के अलावा इन चार से भी हार गया था रावण। अधिकतर लोग यही जानते हैं कि रावण सिर्फ श्री राम से ही हारा था, लेकिन ये सच नहीं है। रावण श्री राम के अलावा शिवजी, राजा बलि, बाली और सहस्त्रबाहु से भी पराजित हो चुका था। यहाँ जानिए इन चारों से रावण कब और कैसे हारा था। बाली से रावण की हार। एक बार रावण बाली से युद्ध करने के लिए पहुंच गया था। बाली उस समय पूजा कर रहा था। रावण बार बार बाली को ललकार रहा था, जिससे बाली की पूजा में बाधा उत्पन्न हो रही थी। जब रावण नहीं माना तो बाली ने उसे अपनी बाजू में दबाकर चार समुद्रों की परिक्रमा की थी। बाली बहुत शक्तिशाली था और इतनी तेज गति से चलता था कि रोज सुबह सुबह ही चारों समुद्रों की परिक्रमा कर लेता था। इस प्रकार परिक्रमा करने के बाद सूर्य को अर्घ्य अर्पित करता था। जब तक बाली ने परिक्रमा की और सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया, तब तक रावण को अपने बाजू में दबाकर ही रखा था। रावण ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वह बाली की गिरफ्त से आज़ाद नहीं हो पाया। पूजा के बाद बाली ने रावण को छोड़ दिया था। सहस्त्रबाहु अर्जुन से रावण की हार। सहस्त्रबाहु अर्जुन के 1000 हाथ थे और इसी वजह से उसका नाम सहस्त्रबाहु पड़ा था। जब रावण सहस्त्रबाहु से युद्ध करने पहुंचा तो सहस्त्रबाहु ने अपने 1000 हाथों से नर्मदा नदी के बहाव को रोक दिया था। सहस्त्रबाहु ने नर्मदा का पानी इकट्ठा किया और पानी छोड़ दिया, जिससे रावण पूरी सेना के साथ ही नर्मदा में बह गया था। इस पराजय के बाद एक बार फिर रावण सहस्त्रबाहु से युद्ध करने पहुंच गया था। तब सहस्त्रबाहु ने उसे बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था। राजा बलि के महल में रावण की हार। दैत्यराज बलि पाताल लोक के राजा थे। एक बार रावण राजा बलि से युद्ध करने के लिए पाताल लोक में उनके महल तक पहुंच गया था। वहां पहुंचकर रावण ने बलि को युद्ध के लिए ललकारा। उस समय बलि के महल में खेल रहे बच्चों ने ही रावण को पकड़कर घोड़ों के साथ अस्तबल में बांध दिया था। इस प्रकार राजा बलि के महल में रावण की हार हुई। रावण बहुत शक्तिशाली था और उसे अपनी शक्ति पर बहुत ही घमंड था। रावण इस घमंड के नशे में शिवजी को हराने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंच गया था। रावण ने शिव जी को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन महादेव तो ध्यान में लीन थे। रावण कैलाश पर्वत को उठा के उनका ध्यान भंग करना चाहा। तब शिव जी ने अपने पैर के अंगूठे से ही कैलाश का भार बढ़ा दिया। इस भार को रावण उठा नहीं सका और उसका हाथ पर्वत के नीचे दब गया। बहुत प्रयत्न के बाद भी रावण अपना हाथ नहीं निकल सका। तब रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उसी समय शिव तांडव स्त्रोत रच दिया। शिव इस खास स्त्रोत से खुश हो गए और रावण को मुक्त कर दिया। मुक्त होने के बाद रावण ने शिव जी को अपना गुरु मान लिया। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा भी ज्ञान मिला है अपने सनातन धर्म का, तो इस वीडियो को लाइक कर दे और कम से कम अपने 5 ऐसे दोस्तों को भेजें जो इस ज्ञान की इज्जत करें। आपका एक शेयर लोगों को अपने धर्म के प्रति और जागरूक करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। भगवान करे आपका दिन शुभ हो और इस वीडियो को अंत तक देखने वाले का परिवार हमेशा खुश रहे।